दर्शन का एक मुहिम जो भोजपुर जिले में शिक्षा का क्या महत्व और कितना किया विकास, इसके मद्देनजर भोजपुर दर्शन कैमरा टीम ने बालिका उच्च विद्यालय का दौरा किया। आइए देखते हैं कि बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने क्या कही। बालिका उच्च विद्यालय में जहां आपको बता दें कि छात्र और छात्राएं, वैसे तो बालिका उच्च विद्यालय है लेकिन छोटे छोटे बच्चों की भी शिक्षा दी जाती है, अभिभावकों के अनुरोध पर दी जाती है। अभिभावकों का विचार हुआ कि बालिका उच्च विद्यालय में जहां छात्राएं पढ़ रही है वहां पर छोटे छोटे बच्चे का भी अध्ययन दी जाए, और उसी अनुरोध को लेते हुए विद्यालय परिवार ने बच्चों को भी अपना शिक्षा अध्ययन कराया है। आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर 1996 से जो मार्क का, अंक का जो विवरण दिया गया है वो 1996, 1997, 1998, 2000 यानी 2017 तक का रागिनी कुमारी 436 अंक प्राप्त करके इस भोजपुर का नाम रोशन किया है बालिका उच्च विद्यालय का। और आने वाला 2018 में भी लगता है कि बालिका उच्च विद्यालय की इसी छात्राओं में से कोई ना कोई छात्राएं बिहार में स्थान अवश्य प्राप्त करेगी। यह है आपके बालिका उच्च विद्यालय का योगदान। लेकिन बात करते हैं कि आखिर बालिका उच्च विद्यालय में जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं छात्राओं को, वो किस प्रकार के पढ़ाते हैं, क्या कहोगी, कैसी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं सर? सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम कितने दिनों से पढ़ रही हो, कितने क्लास से पढ़ रही हो? नया पर हो तुम, कितने दिन से पढ़ रही हो? सिक्स क्लास से पढ़ रही हो। किस क्लास में अभी हो? नाइन्थ में हो। छठा क्लास से पढ़ते पढ़ते तुम नाइन्थ क्लास में आ गई हो, कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, और हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग कि हम लोग पढ़ के आगे निकले। मैंने शिक्षक लोग मेहनत करते, तुम मेहनत नहीं करते? हम भी लोग बहुत मेहनत करते हैं लोग, सर लोग करवाते हैं लोग, एक्स्ट्रा क्लास भी चालू करवाते हैं लोग, हम लोग आते हैं और पढ़ते भी हैं और शिक्षक लोग भी ज्यादा मेहनत करते हैं, यह कहना है छात्रा का, एक छात्रा का। लेकिन तुम क्या कहोगी, किस प्रकार की पढ़ाई होती है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हम इस स्कूल में यूकेजी से पढ़ रहे हैं, अभी सेवेंथ क्लास में। यूकेजी से सेवेंथ क्लास में पढ़ रही हो? यूकेजी से पढ़ते हुए आकर सेवेंथ क्लास तक पहुंची हो, क्या योजना क्या है तुम्हारी, क्या बनने का योजना है, क्या सोची हो? डॉक्टर बनने का सोची है। तुमने क्या सोचा है? तुम भी डॉक्टर बनेगी, दोनों डॉक्टर बनेगी, एक साथ बनेगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? जो पापा कहेंगे, यानी तुम्हारी कोई योजना नहीं है, तुम्हारी कोई सोच नहीं है क्या बनने की। ये चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये बच्चियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम किस क्लास में हो? सिक्स क्लास में हो। किस क्लास से पढ़ रही हो? क्लास फोर से पढ़ रही हो। आप देख रहे हैं कि कोई कोई बच्चिया नर्सरी से पढ़ रही है, तो कोई क्लास सिक्स से पढ़ रही है, तो कोई क्लास वन से पढ़ रहा है, और अभी तक लगातार इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं। बात आती है कि तुम क्या कहोगी, कितना इसमें पढ़ाई होती है? सर इसमें 10 तक पढ़ाई होती है। तुम किस क्लास में हो? सेवन। पढ़ाई बहुत से विद्यालय है, तुम बालिका उच्च विद्यालय क्यों चुना? सर इसमें बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा पढ़ाई, और सब इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता? अच्छा सर होता है, लेकिन इसमें हमको जो शिक्षा ग्रहण होता है हम नहीं कल्पना किए थे और कोई विद्यालय में होगा। उतनी कल्पना तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी सोच थी कि गार्जियन की सोच थी? सर मेरा भी और मेरे पापा का भी। पापा का भी गार्जियन। ये सुना आपने छात्रा की बात कि जो कल्पना जो नहीं था कि ये छोटा सा परिवार, छोटा सा विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण होगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो कल्पना साकार होती है। और वो साकार में आपने देखा, छात्राओं की बात को सुना कि वो साकार हो रही है, और छात्राएं जो है वो बचपन से लेकर अभी तक ये शिक्षा प्राप्त कर रही है। वैसे तो बहुत से बच्चियां हैं जो भोजपुर का नाम को रोशन किया है, लेकिन बात आती है कि तुम क्या करो, तुमको क्या बनना है? हमको बोलो, हमको अपने देश के लिए, देश के लिए कुछ करना है, पुलिस बनना है। ये पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई मेडिकल में जाएगा, तो कोई इंजीनियर बनेगा, तो इसे जाना है फौज में देश की रक्षा करने के लिए। लगता है कि देश की रक्षा अवश्य करेगी। क्या नाम है तुम्हारा? रानी। रानी बनेगी, जिस झांसी की रानी थी ना देश की रक्षा के लिए, उसी प्रकार देश की रक्षा के लिए यह रानी ने भी ठाना है कि लक्ष्मी बाई नहीं रही इस समय, तो मैं भी लक्ष्मी बाई बनकर अपने देश की रक्षा करूंगा, यह कहना है रानी की। लेकिन बात आती है कि आखिर रानी बनने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैथ कमजोर है कि इंग्लिश कमजोर है? क्योंकि आज के वर्तमान समय में मैथ और इंग्लिश के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट में निपुण होना चाहिए,
बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। कौन सा विषय तुमको ज्यादा पसंद आता है? मैथ आता है। कौन पढ़ाते हैं? तिवारी से पढ़ाते हैं। समझ में आता है मैथ? तो हाँ नहीं, मैथ बहुत अच्छे से समझाते हैं, समझ में आता है। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, सर बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास चलाए हैं, उसमें पूछ सकते हैं, बताते हैं सर अच्छे से, समझ में नहीं आता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ आपका जीरो से हीरो बनाने वाला मैथ होता है। और वो पढ़ाते हैं श्री रामजीत तिवारी जी। ये कहना है छात्रा का, और छात्रा को जो बच्चे नहीं समझ पाती है, जो छात्राएं नहीं समझ पाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास यानी अलग से क्लास देते हैं, ताकि जो विद्यालय की एक एक छात्रा मैथ के बारे में, हिसाब के बारे में, गणित के बारे में समझ सके। यह कहना, क्या नाम है तुम्हारा? अनीशा कुमारी का कहना है कि मैथ को मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, समझती हूँ, समझाने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह कहना है अनीशा का। लेकिन बात आती है कि केवल मैथ से काम चलने वाला नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस के बारे में क्या कहोगी? सर, इस स्कूल में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है। हमारे हेड सर जो है वो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से, अच्छी से समझा कर उदाहरण दे दे के बताते हैं। क्या योजना क्या है तुम? सर, मुझे IIT करना है और इंजीनियर बनना है। IIT करना है और इंजीनियर बनना है, और उसके लिए साइंस यानी विज्ञान की बहुत विशेष महत्व है, और इसी को लेकर बहुत ही रुचि के साथ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। रुचि के साथ प्रिया जो है वो अपना विज्ञान को अपना ठानी है, क्योंकि IIT बनना है इसे, एक इंजीनियर बनना है इसे, और देश भोजपुर बिहार का नाम को रोशन करना है प्रिया को। बात आती है कि केवल साइंस और मैथ्स ही नहीं होता है, उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वो है इंग्लिश। और इंग्लिश जब तक नॉलेज नहीं है, तो शायद ही आप किसी क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं। क्या कहोगे, इंग्लिश समझ में आता है? कौन पढ़ाते हैं इंग्लिश के? हाँ, सुरेश सर पढ़ाते हैं। तो भूल गए शिक्षक के नाम किसे भूल गए? तो इंग्लिश समझ में आता है? क्या नाम है तुम्हारा? आदिति कुमारी को इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि इंग्लिश से भागती है। इंग्लिश इसे लगता है कि थोड़ा सा इंग्लिश की इसको कमजोर है, और इंग्लिश के प्रति इसको मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या कहोगे तुम? क्या करो, तुमको क्या बनना है? क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनना है, इसी तरह पढ़ाई कर रही हो। तुम क्या कहोगी? मुझे IIT करना और इंजीनियर बनना है। इंग्लिश के बारे में क्या कहो, इंग्लिश समझ में आता है? यस सर। कौन पढ़ाते हैं तुमको? सुरेश सर पढ़ाते हैं। क्या अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो बच्चों को क्या करते हैं? डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं? डांटते तो नहीं है, पर अच्छा समझाते हैं, और उसे कहते हैं कि मेहनत करो घर पे भी, और जो नहीं आ रहा है समझ में स्कूल में आओ, हमसे पूछो, बार बार पूछो, मेहनत करो। यस सर। बार बार पूछो, ताकि पूछने से और घबराने से कोई जरूरत नहीं है, ताकि आपको समझ में आवे या नहीं आने, तो उससे घबराने की आवश्यकता आपको या किसी छात्राओं को नहीं है। यह कहना है तुम्हारे सुरेश सर का। यस सर। लेकिन देखा, आपने सुना कि बच्चियां जो है वो दिल की बातों को आपके सामने रख रही है। क्या है राज, कौन सी ऐसी चीज है जो 1992 से होते हुए आज 2017 समाप्ति की ओर जा रहा है? 2017 तक आपके यह विद्यालय आपने जो मेहनत, जो योजना बनाई थी, उस योजना पर यह खड़ा उतर रहा है। यह कहना है छात्राओं की, यह कहना मेरे हमको नहीं कहना है, यह कहना है छात्राओं की, जो 1992 से लेकर लगातार अपनी योजना में सफल हो रहा है आपका, हमारा बालिका उच्च विद्यालय। और ये छात्राएं जो है अपने मुकाम के लिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई देश की रक्षा करने के लिए फौज में जाना चाहता है, तो कोई शिक्षक बनना चाहता है, और इसके लिए ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों पर विशेष ध्यान दी जाती है शिक्षकों के द्वारा और छात्र छात्राओं के द्वारा। केवल पढ़ाई होती है कि पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी होता है, कुछ कार्यक्रम भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। यह कहना है आपके बच्चों को कि क्या इसके लिए कुछ अलग से होता है? क्या तुम लोग घूमने भी जाते हो? क्या गए सर? कहाँ घूमने जाते हो? पटना जाते हैं। गए थे लोग? सारे लोग गए थे या कुछ लोग गए थे? सारे लोग गए थे। खेल कूद होता है कि नहीं होता है? खेल कूद भी होता है। तुम लोग कौन कौन बने? गाना लोग गाते हो तुम? डांस भी करते हैं? डांस भी करते हो तुम लोग? अभी बोल रहे हैं डांस करती है, डांस भी करती हो? केवल डांस करती हो कि कुछ आलेख उलेख भी होता है? निबंध उबंध कुछ लिखती हो? निबंध प्रतियोगिता होती है? सारे भाग लेते हैं या कुछ लोग लेते हैं? सारे लोग भाग लेते हैं। आपने सुना बच्चों को, जिस विद्यालय में नृत्य हो, गाने की भी बात हो, निबंध प्रतियोगिता भी होती हो,
और बच्चों को भ्रमण भी कराया जाए ताकि पुस्तक पढ़ाई के साथ साथ उस चीजों को छात्राएं बच्चे या बच्चियां देखकर अनुभव करें। यह है आपका बालिका उच्च विद्यालय। आने वाला समय 2018 यानी होता क्या है, 18 आखिर है तो क्या है, 18 2 0 1 8 यानी 8 1 9 और 0 और 2 यानी 10, 8 1 9 9 और 2 11 11 होता है, 1 और 1 2 होता है, यानी 2 अंक आता है अंक गणित के हिसाब से। 2018 आ गया, अंक गणित के हिसाब से 2 अंक लगता है कि जिस प्रकार भोजपुर के क्षेत्र में 2017 का अंक में इस बालिका उच्च विद्यालय दूसरे स्थान पर था, तो लगता है कि 2 अंक आया अंक गणित के हिसाब से, तो 2018 में बिहार में दूसरा स्थान इस बालिका उच्च विद्यालय में आने की उम्मीद की जाती है। यह अंक गणित कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो अंक गणित में इस विद्यालय की कौन सी छात्रा वो अंक को प्राप्त करती है, बिहार में द्वितीय स्थान कौन ला रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह अंक गणित कह रहा है। 2018 के अंक गणित के हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि 2018 में बिहार में दूसरा स्थान कौन लाएगा, क्या लगता है उम्मीद, क्या तुम करती हो? मुझे अपने मेहनत और इस स्कूल के टीचर के प्रयत्न में पूरा विश्वास है कि मैं भी अगले साल बिहार में टॉप करूंगी। मैं भी मेहनत कर रही हूं और मैं ऐसा कोशिश भी करूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप में इस स्कूल में बहुत परिवर्तन देखा है। मैं इस स्कूल में 5 क्लास से पढ़ रही हूं। आज मुझे इस स्कूल में पढ़ते 6 साल हो गए। मुझे याद है कि 7th क्लास में मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ और साइंस लगता है। मुझे याद है 7th क्लास में मेरा मैथ में 0 आया था, शायद मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे समझाया था। और आज मैं मैथ में हमेशा 90+ नंबर लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल में और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत जरूर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? काजल प्रिया। काजल प्रिया, तुमने पूरा दावे के साथ कही कि बिहार में मैं स्थान लाने का प्रयास कर रही हूँ। तुम्हारे बैच में तो बहुत सी लड़कियाँ, क्या वो सब लड़कियाँ नहीं तुमने दावा कर रही है क्या? नहीं, सभी मेहनत कर रही है, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम्हारा दावा कि मैं लाने का प्रयास कर, और लोग दावा नहीं कर रहे क्या? मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। और लोग विश्वास नहीं, तुम्हारे साथ जो पढ़ती है उन लोग को विश्वास नहीं है, ऐसा ऊपर है सबका है। हाँ, और नया साल आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि सभी के मन में नए विचार उत्पन्न हो, सभी पढ़ने लगे। तो तुम भी लाओगी और सारे लोग लाएंगे, तुम्हारे बैच के सारे बच्चियाँ लाएगी, ये विश्वास है तुमको? हाँ, अगर सभी मेहनत करे तो सभी ला सकते हैं। सभी मेहनत नहीं करती, घर पर सो जाती है। नहीं, सभी करती है। आप तो मैं कर रही, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो कि मेहनत करे तो, मैंने और लोग मेहनत नहीं करता है। नहीं, करती है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करती है। हाँ, मेहनत करती है। और उम्मीद है कि 2018 का जो परिणाम आएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसमें बिहार में एक स्थान लाने की बात यह प्रिया की है। उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद जरूर इसे मिलेगा और बिहार में एक स्थान काजल प्रिया को जरूर मिलेगा, यह कहना है काजल प्रिया का। लेकिन काजल प्रिया ने कही कि अगर मेहनत करें तो अपने सारे वर्ग की सहेलियों को, साथियों को इन्होंने एक संदेश दिया कि आप मेहनत करें, क्योंकि अभी भी समय है परीक्षा होने में, और अगर मेहनत करते हो तो निश्चित ही काजल प्रिया के साथ साथ में सारे बच्चे बिहार में और भोजपुर में एक स्थान प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त यानी 2018 में यह विद्यालय अपनी योजना में सफल हो। पुनः एक बार सभी भोजपुर वासियों की ओर से, अभिभावकों की ओर से इस विद्यालय परिवार को, छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप 2018 में भी बिहार का नाम, भोजपुर का नाम विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में रोशन करें।